ये ऊपर आ गया, अब दूसरा गियर डालने में दिक्कत आ रही है। एक नट ढीला होने से आपकी चेसी यहाँ से क्रैक हो सकती है। यहाँ से एक नट मिस कर दिया है कंपनी ने। यार आजकल ना बोरिंग दिन चला है। ये कौन आ गया भाई? अच्छा अच्छा ले ले अंदर ले। आइए दोस्तों आपको एक चीज दिखाते हैं आपके बुलेट के अंदर भी अगर ऐसा होता है। क्या क्या प्रॉब्लम लेके आया तू इधर अंदर? आजा अब बता, आराम से बता मेरे को क्या हुआ तेरे बुलेट में। भाई जैसे हम इसको दुड़ा रहे हैं ना, हाँ भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। अच्छा ये वाइब्रेट हो रहा है ये वाला, तेरे को फील हो रहा है पैरों में जैसे गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है? और क्या हो रहा है? और पल्ली साइड से भी ये है, ये भी सब, मतलब हर चीज वाइब्रेशन हो रही है इसके ना। गाइस ऐसे में क्या होता है बुलेट के अंदर, ये जो इंजन के फाउंडेशन के जो नट होते हैं, अब फाउंडेशन क्या होती है, जैसे ये चेसिस लगी होती है ना, जिसकी जो ये नट है ना, ये लूज हो जाते हैं कई बार। और ये वाला देखो ज्यादा लूज हो जाता है क्योंकि हम मैक्सिमम स्टैंड पे लगाते हैं इसको, उसके बाद जो ये वाले नट जो है लूज हो जाते हैं 12 का और 13 का। ये यहाँ से देखना, ये ऊपर आ गया, अब दूसरा गियर डालने में दिक्कत आ रही है। ये भी हो रही है आपकी? आ रही है दूसरे गियर, तो यहाँ से दूसरे गियर में भी दिक्कत आती है डालने में। एक्चुअली होता क्यों, जैसे आप स्टैंड पे लगा के इसको घुमाते हैं ना पकड़ के, तब जाके ये ज़्यादा दिक्कत आती है। और एक चीज़ और है भाई, यहाँ से एक नट मिस कर दिया है कंपनी ने, यहाँ से ये वाला। ये कब का मॉडल है आपका? 2016 का मॉडल। चलिए इसको ठीक करते हैं, देखते हैं कौन कौन से नट लूज है। मेरे हिसाब से तो पहले ये वाला नट जरूर लूज होगा, तो यहाँ से देखना दोस्तों ये वाला नट लूज होगा। ये देखो है ना लूज, अगर ये नट लूज होगा तो हमारा इंजन इसी के ऊपर टिका है। देखो ये वाला नट, एक ये है ऊपर, ये छोटे छोटे 12-13 के स्टड यहाँ पे हैं, एक 21 नंबर का नट, 19-21 का यहाँ पे है नीचे, मतलब जितने भी फाउंडेशन के नट है इंजन जिनके ऊपर टिका हुआ है, वो वाले नट लूज हो जाते हैं जब आपको ये वाइब्रेशन महसूस हो। अब देखना मैं इसको टाइट कर दूंगा तो वो वाली प्रॉब्लम इसके अंदर से चली जाएगी। और गाइस मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, आजकल यार वीडियो बनाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा चलो यार एक पुरानी वीडियो से स्टार्ट करते हैं जैसे हम पहले बनाते थे ना, तो आज बीच बीच में अलग अलग सा अपडेट होना चाहिए, इसलिए आज हम बुलेट के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। देखना इसके बाद हम 21 नंबर करते हैं। अब दूसरा नट ये है, ये देखो ये वाला भी लूज है। ये नट जब लूज हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, ये इंजन हिलता है ना, ये हमें फुल टाइट करने होते हैं, तो मैं इसको फुल टाइट कर देता हूँ। ये लो जी, ये हो गया फुल टाइट। अब आ गया हम दूसरी साइड, दूसरी साइड में स्टैंड की पत्ती है ना, इसका ये वाला बोर्ड मैक्सिमम लूज हो जाता है। ये लूज होने से कई बार हमारी चेसिस यहाँ से क्रैक भी हो जाती है। जब भी आप सर्विस करवाते हैं तब यानी कि इसको सही करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप बोल के इसको टाइट करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक नट ढीला होने से आपकी चेसिस यहाँ से क्रैक हो सकती है। ये 12 नंबर का है, तो इसको जितना जो इस बोल्ट को टाइट होने के लिए जोर चाहिए उतना टाइट करें, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए ये भाई टाइट हो गया, आप गाड़ी को चला के देखते साहिल, चला के आओ चेक करो प्रॉब्लम गई है कि नहीं गई है। आप चलाओ तो। नहीं नहीं मैंने नहीं चलाना, प्रॉब्लम तेरे को आ रही थी ना, अब चला के देखते हैं क्या प्रॉब्लम गई है कि नहीं, क्योंकि यही नेट होते हैं ज़्यादा लूज हो जाते हैं। चलो भाई साइलेंसर काफ़ी हैप्पी लगाया, सही है, ओके ओके ठीक है भाई। ये प्रॉब्लम जो थी 2-4 नेट ढीले थे और टाइट किए, सही हो गया। सर एक ट्राई हम भी मार लेते हैं ना, अगर आपकी गाड़ी के अंदर आपके बुलेट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है तो हो जाते हैं लूज भाई, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है इसके अंदर ना, तो आ जाती है प्रॉब्लम। चलिए भाई जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर बिल्कुल सही हो गई है, मैंने भी चला के देख लिया और साहिल ने भी चला लिया, साहिल ठीक था ये? हाँ जी ठीक हो गया बिल्कुल। अब बात बची इसकी, जो यहाँ पे नीचे पत्ती के पीछे फ्लैंक बोर्ड लगता है ना, जैसे हम स्टैंड लगाते हैं तो पत्ती हमारी बाहर को आती है स्टैंड लगाने से बेल्ट के कारण, तो ये ऊपर आ जाता है, आगे करो जरा, ये चीज़ ऊपर आ जाती है तो दूसरा गियर डालने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसको इसको होल्ड करने के लिए पीछे जो फ्लैंग बोर्ड लगता है कंपनी ने अब मिस कर दिया, अब नहीं आता इन बुलेट के अंदर। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, शायद दिखेगा कि नहीं, मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे परे वाली साइड से डलेगा ना ये वाला, देखना ये वाला यहाँ पे, वो डलेगा यहाँ सामने से इस साइड से आता हुआ और सीधा हमारा यहाँ पे लगेगा इस पे, तो ये लंबा होता है यहाँ से भी, इसको बोलते हैं फ्लाइंग बोल्ट, ये जलवाना पड़ता है आपको। अब दोस्तों इसको डालने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ साइलेंसर है इसको खोलेंगे। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा था फ्लाइंग बोल्ट की, मतलब एक्चुअली समझो आप यार, फ्लाइंग बोल्ट मारो गोली, यहाँ से इसको डालेंगे जैसे ही, तो परे वाली साइड को डालेंगे, इसको टाइट कर रहे हैं।
अब जब हम इस ये वाला बोल्ट लगाएंगे तो हमें ये वाला बोल्ट खोल देना है। लो जी, इसको ओवर टाइट नहीं करना है, लेकिन पूरा टाइट करना है, ओवर टाइट ना करें इसको। चलिए भाई, ये हमने नट लगा दिया है। ऐसे करके आप भाई अपनी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखो, अभी नट डाल दिया, अब देखना ये वाला जैसे स्टैंड लगाने पे फुटा यहाँ पे नज़दीक में आ रहा था इसके ना। अब देखना देखना, मैं ज़ोर से छोड़ दूंगा इसको। ये देखो, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वही स्पेस है बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने इस पत्ती को जोर लगा के अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो देखना कितना गैप है, गेयर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं होगा, परे वाला नट नहीं होगा, तो भाई ये वाला फुटरेस्ट आपका इसके साथ टच हो जाएगा। अब मेरे पास ये पत्ती बड़ी है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगता है फुटरेस्ट, ठीक है, ये नट है, यहाँ पे स्टैंड लगेगा। अब यहाँ पे ये पत्ती है ना, ये यहाँ पे 12 नंबर का नट है, जो मैंने टाइट किया, जो ढीला हुआ था वो ये वाला नट था। अब जो हम नया नट जो इसके अंदर फ्लैंक बोल्ट लगाया ना, मैंने फ्लैंक बोल्ट वो भाई हमने यहाँ पे लगाया है, वो परे वाली ऐसे लगती है ना पत्ती, स्टैंड इस साइड को होता है, तो परे वाली साइड से आएगा, वो ऐसे आएगा, तो वो यहाँ पे चढ़ेगा। इस नट के अंदर यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, देखना। अगर आपकी बुलेट के अंदर ये वाला नट लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइट ही करवाना है ओनली, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई ये जरूर डलवाना है आपने, नहीं डलवाएंगे तो चैसी आपकी टूट सकती है। और ये देखो यहाँ पे कितना डबल करके पत्ती लगाई है, ताकि ये पत्ती जो बैंड ना हो। ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये वाली चीज़, और इसमें नोट करो भाई, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन भाई इसके अंदर देखो कितनी हैवी और वजनदार पत्ती है भाई ये। तो इस पत्ती में और उस पत्ती में देखो फर्क लगा। हाँ जी, है ये पत्ती बहुत अच्छी है और मोटी भी है। और यहाँ पर देखो गाइज, ये जो है वो नया लगा हुआ है, और वो पत्ती ऐसी है पतली सी, वो टूट भी सकती है। इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई है यहाँ पे, ताकि ये पत्ती बैंड ना हो। तो जो नया लगाया कहाँ पे लगाया हमने? यहाँ। ये क्यों लगाया हमने? क्योंकि वो जो स्टैंड था वो गियर के साथ लगता था, और नीचे जब स्टैंड लगता था और तो उसका टच हो जाता था, टूटने का भी डर रहता था। हाँ, तो अब नहीं हो रहा ना, जब तक ये चलता है तब तक ठीक है, नहीं तो बाद में साइलम ये डलवा लेंगे ना। चलिए दोस्तों, यही था दोस्तों वीडियो के अंदर। आज मैंने भाई वीडियो डाला था थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैंने सोचा यार हर रोज एक जैसा वीडियो डालते हैं, थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए मैंने भाई आज ये वीडियो डाल दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।